देहरादून में उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने दैनिक जागरण आई नेक्स्ट उत्तराखंड अचीवर्स अवार्ड 2021 समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली 20 हस्तियों को सम्मानित किया। होटल सैफ्रॉन लीफ में इस कार्यक्रम का आयोजन दैनिक जागरण ग्रुप ने कराया था। नेटफ्लिक्स को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो बहुत कुछ करने को है और आपके सुझाव मिलते रहेंगे तो निश्चित रूप में हम अच्छा ही करेंगे, आगे बढ़ेंगे कुछ की हम, क्योंकि आप लोग जो हैं आप फाउंडेशन स्टोन हैं। फाउंडेशन स्टोन जल्दी से नजर नहीं आता है जब तक खोदा ना जाए, तो आप फाउंडेशन स्टोन हैं। निश्चित रूप में आपने जो किया है मैं आपको बधाई देता हूं और ये जागरण आई नेक्स्ट का बहुत अच्छा प्रयास है कि आपने अच्छे अच्छे लोगों को, काम करने वाले लोगों को, सेवा करने वाले लोगों को आपने ये दिया। This is something very, very excellent and commendable. मैं आप सबको बधाई देता हूँ। उत्तराखंड अचीवर्स अवार्ड 2021 पाने वाले सभी लोगों को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शुभकामनाएं दी और सकारात्मक सोच के साथ समाज कल्याण का काम करने वालों को सम्मानित करने के लिए दैनिक जागरण का भी आभार जताया। सतपाल महाराज ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से समाज के हर वर्ग के लोगों को नेक काम करने की प्रेरणा मिलेगी और ये 20-20 योग्यता वाले सेवक अपने कामों में एक्सेल करने वाले लोगों को सम्मानित करता है, जिसमें हमारे शिक्षक, एंटरप्रेन्योर्स और मेधावी लोग आते हैं जो राज्य के लिए कटिबद्ध हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं। निश्चित रूप में जागरण एक अवेकनिंग है और यह अवेकनिंग बहुत अच्छी है कि हम उन लोगों को सम्मानित करें जो समाज के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं सभी अवार्डीज को बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करना चाहता हूं और आपसे प्रेरणा लेकर के और भी लोग इस दौड़ में शामिल होंगे। आपने बहुत कुछ अचीव किया है, आपका कुछ लक्ष्य होगा जिसको प्राप्त करने के लिए और भी आप काम करेंगे। समाज में जागरण आई नेक्स्ट ने आपको सम्मानित किया है, प्रेरणा मिलेगी और काम करेंगे। आपको बता दें कि सम्मान पाने वालों में एजुकेशनिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, चिकित्सा जगत से जुड़े विशेषज्ञ और समाज से भी शामिल थे। MI News।